अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 थर्मोरेगुलेशन में आज हमने डिस्कस करना है रेगुलेशन ऑफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड एनवायरनमेंट। तो किस तरह से एनिमल अपने एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करके अपने बॉडी की हीट को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट अडेप्टेशन देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशन है और उनमें भी मेनली थ्री टाइप ऑफ द अडेप्टेशन है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल, सेकेंड वन इज़ द फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड वन इज़ द बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में हम लोग डिस्कस करें जब, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल के अंदर नेचुरली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट कर सकता है, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है सब डर्मल फैटी लेयर। अगर हम लोग जो एनिमल है उसकी स्किन को देखें तो स्किन की जो ये डर्मिस है उसके नीचे क्या है, सब डर्मल फैटी लेयर। तो ये जो सब डर्मल फैटी लेयर होती है ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और इस इंसुलेटर की वजह से क्या होगा, ना तो बॉडी की हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर एनवायरनमेंट से अंदर कोई हीट जो है वो मूव करेगी। तो इस तरह ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। सेम जो चीज़ पाई जाती है वो पिलेज में पाई जाती है। पिलेज हम लोग कहते हैं एनिमल्स के ऊपर फर या हेयर वगैरह का जो होना है, दैट इज़ कॉल्ड द पिलेज। तो पिलेज की वजह से क्या होता है, अगर हम लोग ये एक एनिमल बॉडी को देखें तो उसके ऊपर ये हेयर है या इसकी फर है, तो ये पिलेज क्या करती है, ये अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है। जब ये एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाती है तो ये एयर एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से ना तो बॉडी की हीट बाहर जाती है और ना ही बाहर से अंदर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती हैं, सब डर्मल फैटी लेयर और पिलेज। नेक्स्ट हम लोग दूसरे अगर स्ट्रक्चरल पार्ट्स की बात करें तो इसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्किन के अंदर पाए जाते हैं और ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर लूज़ हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर जो बॉडी होती है वो फर से कवर्ड होती है, तो उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके अंदर पैंटिंग होती है, जिसमें स्पेसिफिक इनका जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर स्वेटिंग की जाती है और देन वहाँ से ज़्यादा जो बॉडी हीट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इनका एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्वेटिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की तरफ। तो बॉडी जो है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस कर रही है अपने अंदर, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट से आने वाली हीट और इन्वायरमेंट में जाने वाली हीट जो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक्टिवेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। एक्टिवेशन ऑफ ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो जो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर मौजूद होती हैं बहुत ज़्यादा कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब इन ब्लड कैपिलरीज की वजह से जो हीट है वो बाहर भी जा सकती है और वो हीट अंदर भी आ सकती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं बाहर जाने के हवाले से। तो स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर मौजूद होती है हीट। तो जब इन्वायरमेंट बाहर वाला बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला होता है, जब बाहर क्या हो टेम्परेचर हाई हो, तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ हो जाती है। लेकिन यही चीज़ ऐसे हो अगर कि बाहर टेम्परेचर लो हो जाए, तो उस काम को बचाने के लिए फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैपिलरीज होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, या उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की हीट जो है वो बाहर रिलीज ना हो सके। तो अभी मैंने ये बात कही कि एक्टिवेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ब्लड की कैपिलरीज मौजूद होती हैं और ये ब्लड जो है वो हीट को रिलीज़ करता है। तो जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी के अंदर से हीट भी बाहर निकालें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्लड फ्लो इन द स्किन उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो तो हमें अंदर क्या चीज़ चाहिए, हमें अंदर अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करना है। तो उस काम के लिए स्किन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको कम कर दिया जाता है, ताकि कम से कम हीट जो है वो रिलीज़ हो एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स, तो बॉडी के अंदर स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बर्ड्स को देखा हो तो बर्ड्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो अपने प्लमेज को, प्लमेज इज़ द फीदर्स, तो वो अपने फीदर्स को क्या करते हैं, फ्लफ़ कर लेते हैं, फुला लेते हैं। अगर आप चिड़ियों को देखें या दूसरे जो बर्ड्स हैं, जब सर्दियों में उनको देखते हैं तो वो कहीं पर बैठे बैठे क्या करते हैं, फूल जाते हैं, उनकी जो फीदर्स होते हैं वो फूल जाते हैं। तो वो फूल क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ शामिल हो जाती है, वो एयर ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और इस तरह से इंसुलेशन करते हैं। तो वो जो फीदर्स जो हैं उनका फूलना जो है वो स्पेसिफिक मसल्स की वजह से होता है, तो उन मसल्स को एक्टिवेट कर लिया जाता है सर्दियों में।
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स. अब जैसे ही गर्मी आती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है. तो इस तरीके से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी एनिमल्स के अंदर मौजूद होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ द बिहेवियरल अडेप्टेशन. तो बिहेवियर में क्या चीज़ आती है, हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो वेरिंग जो टेम्परेचर होता है, जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बदलता है तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ में लोकोमोट कर जाते हैं. मिसाल के तौर पर ग्राउंड स्क्विरल्स को देखें तो जब वो मिड डे का टाइम आता है, जब बहुत ज़्यादा सूरज जो है वो उसकी शुआएँ निकल रही होती हैं, तो ऐट द मिड डे वो कहाँ पर मूव कर जाती है, मूव टू द ग्राउंड. वो जाकर ज़मीन में छुप जाती हैं, इसी वजह से इनको ग्राउंड स्क्विरल्स भी कहा जाता है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट का सामना ना करना पड़े. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्चर चेंजेस की. तो ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट जब टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं, अपनी जो है वो ट्रंक को छुपा लेते हैं और अपने बाजू और टांगों को बाहर की तरफ ले आते हैं और अपनी जो स्पेस होती है उसको कम से कम कर लेते हैं जब सर्दियाँ होती हैं. और जब गर्मियाँ होती हैं तो अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर लेते हैं, वाइड ओपन कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो रिमूव होती जाए. थैंक यू.